तो ये देखिए कितनी बढ़िया ये हमारी ये रोटियां बनी है एग रोल की। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एग रोल की रोटी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम ये एग रोल की रोटी केवल सिर्फ हम मैदे से बना रहे हैं। बनाने का ये तरीका बहुत ही अलग अलग होता है, तो आज हम सिर्फ मैदे से बना रहे हैं। तो 150 ग्राम मैदे में हमने 1 चम्मच के आसपास रिफाइंड ऑयल लिया है और थोड़ी सी नमक हमने डाला है। ज़्यादा नमक हम नहीं डालेंगे इसमें, और इन सब डालने के बाद इसे अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डाल के इसे अच्छे से गूँथेंगे। अब एग रोल की रोटी बहुत तरीके से बनाया जाता है। इसमें अरारोट डाल के भी बनाया जाता है, चावल गेहूं का आटा भी डाल के बनाया जाता है। तो आज हमने केवल मैदे से बनाया है, तो केवल मैदे से भी बनाया जाता है। तो ये देखिए, हम इस प्रकार से इसे गूँथेंगे हल्के हल्के पानी डाल के। तो अब हम इसे हाथों से इस प्रकार से कुछ मैश करेंगे, ताकि ये जो है हमारा जो रोटी बनेगा बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो मैदे के आटे को हम इस प्रकार से गूंथते हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार से गूंथने से बहुत ही अच्छा इसका आटा तैयार होता है। तो ये देखिए, तो ये हमारा डो जो है लगभग ये तैयार है। तो अब हम इसे इस प्रकार से कुछ प्रेस करके हम इसमें रख देंगे, और इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक हम इसे थोड़ी सी तेल लगा के इसे कवर करके छोड़ देंगे, ताकि ये जो है हमारा जो ये डो है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। 15-20 मिनट के बाद हम इसे फिर इसे देखेंगे। तो ये देखिए, हमारा 15 से 20 मिनट के बाद हमारा जो आटा है, ये देखिए कितना बढ़िया ये सॉफ्ट हो गया, आपको देखने से भी पता चल रहा होगा। तो अब हम इसकी हम लोई तैयार कर लेंगे। तो इतना में हमने 4 रोटियां बनाया है। तो आप अपने हिसाब से रोटी का शेप रख सकते हैं, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने इसमें इस 150 ग्राम के मैदे के आटे में 4 लोई तैयार करके 4 रोटियां बनाया है। तो इस प्रकार से हम गोल करके इसे प्रेस करके हम इसे अच्छे से बेलेंगे। अब बेले में ध्यान से बेलेंगे, इस पर आटा आप लगा लगा के इसे मैदे में लपेट के इसे लोई को अच्छे से इसे बेलेंगे। तो आप हल्के हाथों से इसे अच्छे से लगातार बेलते रहेंगे इसी प्रकार से, क्योंकि ये जो है मैदे के आटे में क्या है ना, थोड़ा सा रबरपन होता है, तो ये इसमें खिंचाव होता है। तो आप हल्के हाथों से इसे बेलें। तो ये देखिए, हमारा फाइनली ये बनके रोटी तैयार है। और ये देखिए कितना पतला बना है, ये देखिए, और कितना ट्रांसपेरेंट है ये, तो आपको देखने से अंदाज़ा लग गया होगा। तो इसी प्रकार से हमने सारे रोटी को बेल लिया है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलेंगे। एक तवा लेंगे और उसे हीट करेंगे हम। तो हीट करने के बाद हम इसमें रोटियां डालेंगे। तो उसके बाद डालने के बाद हम इसे बल्टी करेंगे। तवा को हम ज़्यादा हीट नहीं करेंगे फ्रेंड्स, और ना ही हम इस रोटी को ज़्यादा पकाएंगे, क्योंकि ये रोटी ये आधी से ज़्यादा कच्ची रहती है। केवल हमें हल्का सा सेकना है। तो आप इस प्रकार से कपड़े की मदद से इसे सेक सकते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर भी आया है, ज़्यादा कलर भी इसमें नहीं है और ना ही ज़्यादा बिल्कुल कच्चा है। तो हमें इसमें हल्का सा सेक लगाना है। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये हमारा रोटी बनके तैयार हुआ फ्रेंड्स। तो आप भी इसी तरीके से सारी रोटी को बेल लें। तो आप इसे चाहे तो एग रोल में खा सकते हैं, वेज रोल में खा सकते हैं, स्प्रिंग रोल में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जिस प्रकार के भी रोल हो उसमें आप इस्तेमाल करके इस प्रकार से खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कैसी लगी ये रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाना। रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।